जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं मंजू सोनी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कहरवा ताल ढोलक बोलने सिखाने वाली हूँ। काउंटिंग में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, आज मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से बोल में बताऊंगी। और यदि आप लोग बोल में समझ लेंगे तो आप लोग को काउंटिंग से भी सरल बोल में लगेगी और आप लोग आसानी से बजा पाएंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। और वैसे तो कहरवा ताल कई तरह से बजाई जाती है, लेकिन मैं ये बहुत ही सरल पैटर्न आप लोग को बताने वाली हूँ। तो आ जाइए आप लोग अपनी अपनी ढोलक लेकर के, हम बजाना सीखते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए तो हम बजाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो बिगनर्स होंगे, जो अभी नए मेरे चैनल पर आए हैं ढोलक सीखने के लिए, उनको मैं बता दूं कि ये जो बड़ा भाग है ये बेस कहलाता है, जहां पर हम धपाक लगाते हैं। देखिए ऐसे, जहां हमारी उंगलियां खत्म होती है वहीं पर से मारते हैं। देखिए ऐसे बिल्कुल ढीला हाथ मारिए और गूंजती हुई आवाज आना चाहिए। देखिए ऐसे, हमको चिपकाना नहीं है, ऐसे इस तरह से मारना है। तो ये हमारा खुला बेस कहलाता है जब ऊपर मारते हैं तो, और जो बीच में लेते हैं वो बंद बेस कहलाता है। ये खुला बेस, ये बंद बेस, ये खुला बेस, ये बंद बेस, ये खुला बेस, ये बंद बेस। अब ये जो छोटा भाग है चाटी कहलाता है, जहां हम उंगलियां चलाते हैं। तो देखिए जो ये तीन उंगली है हम ग्रुप में लेते हैं ऊपर इस तरह से, ये तीन उंगली ऊपर का भाग ही मारते हैं और ऊपर ही लेते हैं। देखिए ऐसे तीन उंगली ग्रुप में, और एक ये जो उंगली है ये सिंगल नीचे लेते हैं। तीन ऊपर एक नीचे, तीन ऊपर एक नीचे, तीन ऊपर एक नीचे, तीन ऊपर एक नीचे, इस तरह से लेते हैं। अब चलिए देखिए कहरवा ताल जो है, तो बोल से कहरवा ताल में आठ बोल होते हैं। तो वो बोल क्या है, धागे ना तीनक धीना, धागे ना तीनक धीना, धागे ना तीनक धीना। आप लोग एक डायरी ले लीजिए, उसमें ये बोल नोट कर लीजिए तो आप लोग को सीखने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो बोल को आप नोट कर लीजिए, धागे ना तीनक धीना, धागे ना तीनक धीना। तो ये आठ बोल है, तो मैं इसको हम लोग तीन तीन बोल बोलना भी सीखते हैं और बजाना भी, तो इससे आप लोग को सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम बजाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बोल है धा। तो धा हम कैसे लेंगे, देखिए धा, तो ये खुला बेस हम मारेंगे यहाँ पर, खुला बेस ऊपर जो मैंने बताया था आपको, खुला बेस, और ये तीन उंगली मैंने ऊपर बताई थी आपको जो, तो ये तीन उंगली, तो इन दोनों को हम एक साथ लेंगे ऐसे। तो ये हमारा होगा धा, खुला बेस तीन उंगली, खुला बेस तीन उंगली, धा धा धा। तो तीन बोल शुरू के क्या हमारे, धा गे ना, इतना ही हम अभी पहले बजाना सीखते हैं और बोलना। तो धा, अब गे हमारा खुला बेस मारेंगे, बस बेस में गे गे, ये हमारा गे हो गया। अच्छा गे आप बीच में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यदि आपको बीच में सहूलियत हो रही हो तो ये भी गे कहलाएगा। देखिए यहाँ गे मारना हो तो यहाँ मार सकते हैं आप, या बीच में भी ले सकते हैं, जैसे गे गे गे, ये भी गे कहलाएगा। तो यदि आप लोग को यहाँ कंफर्ट लगता तो यहाँ लीजिए, बीच में लगता तो बीच में ले लीजिए। तो हमारा क्या हो गया, धा गे, धा गे, धा गे, जहां भी आप लोग को कंफर्ट लगता हो वहां लीजिए। तो दो बोल हो गए अपने धा गे। अब तीसरा बोल है ना। तो ना हमारा जो मैंने आपको बताया तीन ऊपर एक नीचे, जो एक नीचे उंगली लेते हैं उसको हम ना बोलते हैं, ना ना
कैसे हुआ हमारा देखिए, धा दे ना, धा दे ना, धा दे ना, धा दे ना, ये तीन बोल हमारे हो गए। इसको आप लोग अच्छे से बोलना भी सीखिए और बजाना भी। जब तीन बोल आपको अच्छे से आने लगे तो फिर आगे के तीन बोल हम चालू करेंगे बजाना। तो चौथा बोल हमारा क्या है देखिए, धागे न ती न के, ती न के। अब हमको ती और न के तीन बोलिए लेना है। तो धागे न ती, ती हमारा जो तीन उंगली है हम ऊपर लेते हैं ग्रुप में, ये हमारा ती, ती मतलब तीन उंगली, ती 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 ती। तो चार बोल हमारे कैसे बजेंगे, धा दे ना ती, धा दे ना ती। अब फिर है नाक, नाक। तो ना हमारा ये सिंगल उंगली मैंने आपको बताई, ये हमारा ना कहलाता है। तो ना हमारा फिर से यही आएगा, ना ना। तो धा गे ना ती ना, धा गे ना ती ना। क अब का आया, तो का हमारा जो हमने गे बजाया था वहीं पर हमारा का बजेगा। इसको हम का बोलते हैं, देखिए ऐसे, इसको गे भी बोलते हैं, इसको का भी बोलते हैं, का। आप डायरी में नोट कर लीजिएगा अच्छे से, तो आप लोग को समझने में बहुत सहूलियत होगी। और एक बार आप लोग यदि बोल में समझ जाएंगे तो आप बहुत जल्दी आसानी से बोल में सभी प्रकार की ताल बजा पाएंगे। तो देखिए ये हमारा का हो गया, का का। तो धा गे ना ती न के, धा गे ना ती न के। छह बोल हो गए हमारे। अब बचा धी ना, दो बोल हमारे बचे धी ना। तो धी कैसे लेंगे, जैसे हमने धा लिया था वही हमारा धी आएगा, ऐसे ही हमारा धी आएगा। देखिए धा जैसे लिया था वैसे धी, खुला बेस यहाँ, तीन उंगली यहाँ, धी धी धी। और ना जो एक सिंगल उंगली मैंने आपको बताई ना, ना ये ना कहलाती है, ना ना। तो अब कैसे बजेगी हमारी ढोलक देखिए, धा गे ना ती न के धी ने, धा गे ना ती न के धी ने। देखिए मैं यहाँ आपको बताती हूँ, ये हमारी चाटी, यहाँ समझिए बेस कैसे लेंगे हम। देखिए ये खुला बेस है हमारा, देखिए धा धा धा, ये तीन उंगली मैं ले ली, ये देखिए धा धा, गे ना ती ना के धी ने, धा गे ना ती ना के धी ने, धा गे ना ती ना के धी ने, धा गे ना ती ना के, सॉरी धा गे ना ती ना के धी ने, धा गे ना ती ना के धी ने, धा गे ना इस तरह से हमको बजाना है। और देखिए वीडियो आप पूरा देखा करिए तभी आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि बोल में आपको समझ में ना आएगा कि कहाँ पर कैसा बोल बज रहा है, कैसा बोलना है। तो 10 मिनट का वीडियो रहता है ज्यादा से ज्यादा, हम आपके लिए इतनी वो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ढोलक सीखिए। तो कम से कम आप लोग पूरा वीडियो मेरा जरूर देखिए तभी आप लोग सीख पाएंगे। तो कैसे मैंने आपको बताया एक बार फिर से बताती हूँ, देखिए धा गे ना ती न के धी
और यहाँ भी आप इसमें भी ले सकते हैं धा गे, मैंने बताया ना आपको गे बीच में भी ले सकते हैं आप, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो धा गे ना ती न के, सॉरी धा गे ना ती न के ती न, धा गे ना ती न के ती न, धा गे ना ती न के ती न, इस तरह से भी आप ले सकते हैं, या फिर धा गे ना ती न के ती न, धा गे ना ती न के ती न, धा गे ना ती न के ती न। बहुत ही आसान है, यदि आप लोग बोल समझने लगे कि कहां पर क्या बज रहा है तो ये काउंटिंग से भी बहुत सरल है। तो आप लोग अच्छे समझ लीजिए, ये हमारा धा कहलाता है, ये घे कहलाता है, सिंगल उंगली ना कहलाती है, ये तीन उंगली ती कहलाती है, और ये सिंगल खुला बेस ये का कहलाता है, और ये धी कहलाता है, और ये ना कहलाता है। ये ना, सिंगल उंगली ना, तीन उंगली ती, एक साथ लेते तो ये धा भी होता है, धी भी होता है, और ये घे भी होता है, खुला बेस एक बार ये मारे तो ये, और इसी को ये अच्छी तरह आप डायरी में नोट कर लीजिए कि धा कैसे बजता है दोनों हाथ से, और पूरा नोट कर लेंगे आप तो आप लोग को, और बजाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोग को समझ में भी आएगा और आप लोग बजा भी पाएंगे। तो देखिए अब हम बजा के देखते हैं इसको, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप लोग, तीन दिन चार दिन अच्छे से पहले इसको एक एक बोल बिल्कुल धीरे धीरे आराम से बजाइए, जब आने लगे तब धीरे धीरे उसको तेज करिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको आगे, देखिए धा गे ना ती न के ती न, 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 धा गे ना ती न के ती न। इस तरह से आप बजाइए, धीरे धीरे बजाइए पहले, फिर उसको तेज करिए, देखिए धा गे ना ती न के ती न, 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 धा गे ना ती न के ती न। धीरे धीरे ऐसे तेज करिए, और बीच में भी आप बजा सकते हैं, देखिए मैं बीच में भी बताती हूँ आपको, मैंने आपको बताया था गे आप बीच में भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, तो कैसे धा गे ना ती न के ती न, धा गे ना ती न के ती न, धा गे ना ती न के ती न, बीच में भी बजा सकते हैं गे, गे हमारा ये भी कहलाता है, बीच वाला भी ये गे, गे 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 गे। तो एक बार बोल फिर से समझिए आप, धा गे, धा दोनों हाथ, धा गे ना सिंगल उंगली, ना ती तीन उंगली ती, ना जो गे हमारा, जैसे हमने गे लिया वैसे ही हमारा का आएगा, का, और धी, धी दोनों हाथ से तीन उंगली खुला बेस, जैसे हमने धा लिया था धी, ने, धा गे ना ती न के धी, धा गे ना ती न के धी। इस तरह से आपको बजाना है, तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, फिर मैं इसमें आपको एक आध भजन भी लेके आऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आप लोग अभी इसको सीखिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा।
धन्यवाद।